हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। तो अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो हम आगे का पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो जो सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन का हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentences. मतलब preposition एक ऐसा word होता है जो कि किसी noun या pronoun के साथ में use करते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये हमेशा noun और pronoun के साथ में use किया जा सकता है, जिससे कि उसका हम बाकी जो words हैं sentence के उनके साथ relation दिखा सकें, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ओवर, ऑन, अंडर, बिहाइंड, अबाउट, बिसाइड, टू, फॉर, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ही सैट ऑन द चेयर, ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। अब ही सैट ऑन द चेयर, तो हम बाकी सारे सेंटेंस के कि वो कहाँ पर बैठा है उस चीज को हम किस वर्ड से बता रहे हैं, ऑन से। प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ जो रिलेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ पे बैठा है, ओवर, ऑन, बिसाइड, जो हम ऑन चीज से जो बता रहे हैं कि ऊपर बैठा है वो हम ऑन से बता रहे हैं, तो ऑन एक प्रपोजिशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रिज। अब वो फ्रिज के पीछे छुपी हुई थी, तो पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड से हम शी जो एक प्रोनाउन है उसका रिलेशन पूरे सेंटेंस के साथ बता रहे हैं, तो वो एक प्रपोजिशन हुआ। सुनील जंप ओवर द टेबल। अब जो सुनील एक नाउन है उसका हम बाकी पूरे सेंटेंस के साथ यूज एक ओवर वर्ड यूज करके बता रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि उसने कैसे जंप किया, कहाँ जंप किया, तो ओवर द टेबल किया, तो इसलिए जो ओवर है वो एक प्रपोजिशन हुआ, ओके। हम देखते हैं जैसे ये सारी चीजें हैं, तो इसमें जैसे अंडर है, इन बिटवीन, ओके, तो एक कार्डबोर्ड के रिलेटिव में ये बर्ड और ये कैट वगैरह ये सारी चीजें कैसे हैं, ठीक है। तो वो जो रिलेशन है वो प्रपोजिशन होता है, जैसे कि दिस इज अंडर द कार्डबोर्ड एंड दिस बर्ड इज बिटवीन द कार्डबोर्ड, दिस इज आउट द कार्डबोर्ड और क्लोज टू कार्डबोर्ड, नाउ दिस इज इन और इनसाइड द कार्डबोर्ड, दिस इज अबव, दिस इज बिहाइंड, दिस इज ऑन द कार्डबोर्ड एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ। तो इसके रिलेटेड जो हम इसका बता पा रहे हैं कि वो कहाँ है जिससे कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वो वर्ड होगा प्रपोजिशन, ओके। ऐसे ही इसमें ये एप्पल देख सकते हो आप, इन बिटवीन, फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, टू द लेफ्ट ऑफ, और मतलब ऐसा कोई भी जो हम रिलेशन बता रहे हैं वो होता है प्रपोजिशन, ओके। नाउ अब ये सारे वर्ड्स देखिए आप, ठीक है। अब इन सारे वर्ड्स में क्या चीज कॉमन है, पहली चीज तो एकदम जो साफ दिख रही है एक्सक्लेमेशन मार्क, और दूसरी चीज हम ये वर्ड्स को बोलते कैसे हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स आप देखोगे काफी सॉरो के होते हैं, जैसे ओ नो, ओके, और कुछ वर्ड्स काफी खुशी के हैं, जैसे वाओ, ओके, वंडर जो एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स जैसे आउच, कुछ एकदम सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके लिए भी एक नाम है, ये वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे An interjection is an exclamatory word denoting some sudden feeling. मतलब sudden feeling express करना, एकदम से जो feeling आ रही है उसको express करना, वो feeling कैसी भी हो सकती है, जैसे दुख की feeling हो सकती है, खुशी की feeling हो सकती है, या disliking की feeling हो सकती है, या मतलब कोई भी जो feeling बस अचानक से आ रही है, वो वाली feeling जो होती है वो होती है interjection से, मतलब हम denote करते हैं, ओके। अब example जैसे हम देखते हैं, हुर्रे, अलास, वाव, ओ, आउच, ईयू, याहू, हाँ, आ, एटसेट्रा, ओके। तो ये सारी मतलब हम अलग ही टाइप से बोलते हैं ये सारी चीजें, मतलब एकदम फीलिंग के साथ बोलते हैं, हम इन्हें नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। कि अगर हम नॉर्मल कोई चीज बोल रहे हैं, मुझे ये चीज पसंद है, तो हम वो नॉर्मली बोलते हैं। पर अगर कोई चीज हम डिसलाइक करते हैं तो हम ये एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता है, पर मतलब बस ये
एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें कोई चीज वो कितना फील करा रही है, कोई चीज वो बहुत गंदा या बहुत दुखी या बहुत खुशी फील करा रही है, तो तब हम वो यूज करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस पे हम यूज देखते हैं तो ईयू इट टेस्ट सो बैड। तो अगर हमें कोई चीज जैसे गंदी लगी, जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को करेला या कोई ऐसी सब्जी बहुत गंदी लगती होगी, तो उसको आप मतलब कितने फीलिंग के साथ बोलते हो ना, जैसे ईयू कितना गंदा खाना है। तो फिर ईयू जो है वो वर्ड एकदम इमोशन ऑफ डिसलाइकिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो एक जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो वाला वर्ड होगा इंटरजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हुर्रे, वी वॉन द गेम। अब ये है इमोशन ऑफ जॉय, मतलब अगर आप कोई जैसे गेम खेल रहे हो, कोई क्रिकेट या फिर कोई भी कैसा भी गेम, तो अगर आपने, आपकी टीम ने वो गेम जीत लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, आप और आप बहुत सेलिब्रेशन वाले मूड में एकदम बोलोगे हुर्रे हमने गेम जीत लिया। तो वो जो हुर्रे है वो है एक इंटरजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओ, आई फॉरगॉट वी हैड क्लास टुडे। मतलब आप अगर अचानक से क्लास भूल जाओ तो आपको बुरा लगेगा, तो वो जो एकदम एक्सप्रेस कर रहे हो फीलिंग ऑफ सॉरो, वो आप ओ के साथ कर रहे हो। ओके, तो ये सारी वर्ड्स हो गए इंटरजेक्शन। ये काफी आसान है पहचानना, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ एंड होते हैं और आपको पता चल जाएगा ये सारे वर्ड्स, क्योंकि इनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बस सेंटेंस की फीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस पहचानना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि कंजंक्शन जो होते हैं वर्ड्स, दे आर द जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब वो दो वर्ड्स और सेंटेंसेस ऐसे को जॉइन करते हैं, तो काफी आसान होता है इनको पहचानना। जैसे येट, फॉर, एंड, सो, बट, बिकॉज, नॉट, और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कंजंक्शंस। इसके डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड used to join together phrases, words or sentences. Conjunction ऐसा word होता है जो कि दो phrases या words या sentences को join कर रहा होता है, वो होता है conjunction. अब इसको पहचानना काफी आसान होता है, जैसे कि हम देखते हैं I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. तो आप क्या कर सकते हो ना, कि ऐसा कोई word जिसके इस side वाला sentence, इस side वाला sentence, मतलब अपने आप में एक कोई अलग सेंटेंस या फ्रेज हो सकता है, एंड ऐसे ही इस साइड वाला भी अलग सेंटेंस या फ्रेज अपने आप में इंडिपेंडेंटली हो सकता है। जैसे कि आई वॉज फीलिंग हंग्री, हम इतना भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, एंड आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच, इतना भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमने इन दोनों चीज को जोड़ा किस वर्ड से, सो से, तो जो सो हुआ वो एक कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम जैसे देखते हैं आई लाइक क्रिकेट एंड आई लाइक बैडमिंटन। तो आई लाइक क्रिकेट भी एक अलग सेंटेंस है, आई लाइक बैडमिंटन भी एक अलग है, हमने इन दोनों को कैसे ज्वाइन किया, एंड से। तो जो एंड हुआ वो एक कंजंक्शन हुआ, वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। ओके, नाउ ही लाइक्स डांसिंग बट ही हेट्स म्यूजिक। तो ही लाइक्स डांसिंग एक अलग सेंटेंस हो सकता है, एंड ही हेट्स म्यूजिक एक अलग सेंटेंस हो सकता है, पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किससे किया है, बट से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।